एडवोकेट, कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य प्रशासक और सुधारवादी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वामपंथ का सबसे बड़ा चेहरा रहे ज्योति बसु के जीवन के ये वो पड़ाव है जिनकी बदौलत आज भी हर किसी की जुबान पर उनका नाम है। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रदेश की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक ज्योति बसु करीब 23 साल तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। तो चलिए आज आपको बंगाल का लौह पुरुष कहे जाने वाले ज्योति बसु के जिंदगी के सफर पर लिए चलते हैं। भारत में कम्युनिस्ट राजनीति के पितामह कहे जाने वाले ज्योति बसु करीब 5 दशक तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। ये ज्योति बसु का ही करिश्मा था कि वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद भी विपक्ष के सभी नेता उनका लोहा मानते थे। ज्योति बसु को एक नहीं बल्कि 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन वो जिस पार्टी में थे वो नहीं चाहती थी कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बने। पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने दोनों बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। 8 जुलाई 1914 को जन्मे ज्योति बसु का जन्म पूर्वी बंगाल, जो अब का बांग्लादेश है, में हुआ। ज्योति बसु ने कलकत्ता के सेंट जेवियर्स स्कूल से इंटर पास करने के बाद 1932 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से अंग्रेजी में ऑनर्स किया। साल 1935 में वह लॉ करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 5 साल बाद लंदन से वकालत त्याग कर भारत वापस लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने राजनीति की राह चुनी, वामपंथ की राजनीति को अपनाया और उसी के होकर रह गए। ज्योति बसु ने 1930 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ले ली थी। ज्योति बसु रेल कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होने के बाद पहली बार में चर्चा में आए। 1957 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में वे विपक्ष के नेता चुने गए। 1967 में बनी वाम मोर्चे के प्रभुत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार में ज्योति बसु को गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन के चलते बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और वह सरकार गिर गई। ज्योति बसु का राजनीतिक सफर बढ़ता जा रहा था और इस माकपा नेता ने एक के बाद एक कई उपलब्धियां हासिल की। इस दौरान उन्होंने राज्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वाम मोर्चा दोनों को ही लगातार मजबूत किया। 1977 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और इसमें वाम मोर्चा को पूर्ण बहुमत मिला। ज्योति बसु को इस बार पहली बार बंगाल की कमान सौंपी गई। इसके बाद उन्होंने लगातार 23 साल तक सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी और बंगाल पर एक छत्र राज किया। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने प्रदेश के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिससे बंगाल की दुर्गति होने से बच गई, जिसका कई विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे। उनके शुरुआती कार्यकाल से ही प्रदेश का कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ता गया। जहां कृषि वृद्धि 1970 के दशक में 0.6% थी, 1980 के दशक में वो बढ़कर 7% हो गई और पश्चिम बंगाल खाद्य आयात करने वाले प्रदेश से खाद्य निर्यात करने वाला प्रदेश बन गया। इसके अलावा उनके ही कार्यकाल में भूमि सुधार, कृषि मजदूरों को न्यूनतम भत्ता निर्धारित होने और त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने जैसे बड़े साहसिक फैसले लिए गए जो आज भी उनकी उपलब्धि के तौर पर गिनाए जाते हैं। बंगाल में नक्सलवाद का खात्मा करने का श्रेय भी ज्योति बसु सरकार को ही दिया जाता है। 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में ही नक्सलवाद का उदय हुआ था और वह स्थायी रूप ले सकता था, लेकिन ज्योतिदा और उनकी सरकार का ही कमाल था कि उन्होंने उसे नक्सल प्रदेश नहीं बनने दिया। बहुत से राजनीतिक पंडितों का मानना रहा था कि ज्योतिदा हमेशा से ही बनमैन शो रहे और उनमें काफी अखड़पन भी दिखाई देता था। कई बार तो वे पत्रकारों से बड़ी बेरुखी से पेश आते दिखते थे। पूरी जिंदगी लेफ्ट आइडियोलॉजी को जीने वाले ज्योति बसु का 17 जनवरी 2010 को निधन हुआ और जाते जाते भी वे कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज को अपना शरीर दान कर गए। ये थी बंगाल के लौह पुरुष, कम्युनिस्ट राजनीति के पितामह और 23 साल तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु की कहानी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।